नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर लोगों को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दाम में 5 रुपए और डीजल के दाम में 10 रुपए टैक्स कम करने की बात कही है, जिसके बाद से ही सभी राज्य अपने हिसाब से वैट में कमी करके आम जनता को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद से ही बिहार में पेट्रोल के दाम में लगभग 7 रुपए के आसपास कमी देखने को मिली है। वहीं अब बिहार में और ज्यादा सस्ता पेट्रोल मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अब महज 6 रुपए के प्लास्टिक कचरे से 70 रुपए के पेट्रोल डीजल तैयार होने वाले हैं। इसको लेकर मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी के खरौना में प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल और डीजल बनाने वाली इकाई का उद्घाटन राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने किया है, जिसके बाद देश में अब यह पहला प्लांट बन गया है जहां प्लास्टिक से पेट्रोलियम बनाया जाता है, जिसको कि ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी ने स्थापित किया है। इस दौरान मंत्री ने प्लांट में तैयार 10 लीटर डीजल की खरीदारी भी की। इसके तहत इकाई को देखने के लिए ग्रामीण की भीड़ भी देखने को मिली थी। वहीं प्लास्टिक कचरा से डीजल पेट्रोल बनाने की विधि जानने के लिए लोगों में उत्सुकता भी रही। इकाई के संचालक और ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी के CEO आशुतोष मंगलम ने बताया कि यहां पर हर दिन 200 किलो प्लास्टिक कचरा से 150 लीटर डीजल या 130 लीटर पेट्रोल तैयार होगा, जिसके तहत सबसे पहले तो कचरा को ब्यूटेन में परिवर्तित किया जाएगा। वहीं प्रोसेस के बाद ब्यूटेन को आइसो ऑक्टेन में बदला जाएगा, जिसके बाद अलग अलग प्रेशर और तापमान से आइसो ऑक्टेन को डीजल और पेट्रोल में परिवर्तित किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप 400 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर डीजल और 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पेट्रोल का उत्पादन हो सकेगा। देहरादून स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से डीजल और पेट्रोल की ट्रायल का काम किया जा चुका है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रायल सफल रहा। डीजल और पेट्रोल में अधिक ऑक्टेन वैल्यू होने से माइलेज अधिक पाया गया है। इस प्रक्रिया में 8 घंटे तक का समय लगता है। नगर निगम से 6 रुपए प्रति किलो की दर से प्लास्टिक कचरे की खरीद की जाएगी, जिसका सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होने वाला है, क्योंकि इकाई में तैयार डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति किसानों के अलावा नगर निगम को होने वाली है। इकाई 70 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति करेगी। पहले दिन 40 किलो प्लास्टिक से 37 लीटर डीजल को तैयार किया गया। वहीं इकाई के संचालक ने बताया कि नगर निगम से प्लास्टिक उपलब्ध करवाई जाएगी, इसके बदले इकाई द्वारा निगम को डीजल और पेट्रोल उपलब्ध करवाया जाएगा। हालांकि यह आम लोगों के लिए भी उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके तहत किसानों और नगर निगम के अलावा भी अगर कोई पेट्रोल डीजल को खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस इकाई की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की जा चुकी है। विश्व का ये एकमात्र प्लांट है जहां प्लास्टिक से डीजल पेट्रोल बनाया जाता है, जिसके बाद आने वाले समय में उम्मीद यही जताई जा रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ने के बाद अगर ये सफल प्रायोजन बिहार में होता है तो बिहार वासियों को काफी फायदा मिलेगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।